नमस्कार, डोगरी खबरें तुंदा स्वागत है। मैं अमालू शर्मा से लोपानियां चढ़ते लिखे जोखे पर। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन श्रीनगर च कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिथे ITBP के जवानों की श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और भी उत्थे मौजूद है, तो कन्ने के सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी उत्थे मौजूद है, जिन्हें की वीर जवानों की श्रद्धांजलि दी। जम्मू के सिदड़ा इलाके च एक परिवार के 6 सदस्य अपने घर च मृत पाए गए हैं। पुलिस ने शवें की अपने कब्जे च लेके जांच शुरू कर दी है। दसिया जा करता है कि एक परिवार के 6 सदस्य बुधवार अपने घर पर संदिग्ध परिस्थितियों च मृत पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले च आतंकवादियों ग्रेनेड सुटिया, तो सुरक्षा बलों की घेराबंदी थमां नसने च कामयाब हुई है। जानकारी मुताबिक सुरक्षा बलें शोपियां के कुटपोरा च तलाशी अभियान शुरू किया है। तलाशी दौरान आतंकवादियों सर्च पार्टी उपर ग्रेनेड सुटिया, तो उत्थुआं नसी गए। कश्मीरी पंडित शोपियां च होए दे आतंकवादी हमले, जिदे च एक कश्मीरी पंडित की मौत हुई गई है, ये खिलाफ अपना रो रोसा प्रकट करने के लिए अज जम्मू च जोरदार प्रदर्शन किया। इन्हें कई घंटे तोड़ी तवी पुल की बंद भी रखा। ये लोग कश्मीरियों की सुरक्षित थारें पर स्थानांतरित करने की मंगा के लिए प्रदर्शन करा करते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करी है। इस गल की जानकारी दी है जे उन नवे वोटर कार्ड बनन जा करते हैं। उन्हें कन्ने के आख्या जे ये पूरी प्रतिक्रिया 1 अक्टूबर 2022 थमां पहले पहले सबूरी कर लेती जाग। स्टोन क्रशर ओनर एसोसिएशन के प्रधान विक्रम रंधावा और जम्मू च एक पत्रकार वार्ता के संबोधित करते हुए इस गल का स्वागत किया जे सरकार ने तवी थमां माइनिंग उपर जो बैन लगे था उसे हटाई दिता है। जम्मू कश्मीर बार कोर्ट एसोसिएशन आसिया अपनी मंगे के लिए प्रदर्शन जारी है। इन्हें चेतावनी दी है जेकर इंदिया मंगा नहीं मनिया गई तो इंदा प्रदर्शन उग्र रूप ले सकता है। कन्ने के ने भी जानकारी दी है जे अगले हफ्ते वो जम्मू बंद की कॉल भी दे सकते हैं। जवाहर टनल कोल रामबन जिले च बदल फटने करी हुए नुकसान के ध्यान च रखते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत जारी की है जो प्रभावित परिवारों की लोड़ी सहायता उपलब्ध करवान। बागेबोर पार्क च बाउंड्री वाल टुटी जाने कारण बरखा का सारा पानी पार्क अंदर आ गया, जिस कारण इतने मता नुकसान हुआ है। लोगों का आखना है जे हर साल बरखा कारण इतने मता नुकसान होता है, लेकिन विभाग इस पक्षी कोई ध्यान नहीं दिया करता है। श्रीनगर पुलिस ने एक चोर की राह सच लिया तो उसके कब्जे थमां 10,500 रुपये की नकद रकम बरामद की है। इस चोर उपर मते मामले दर्ज है। इसके डोगरी खबर का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।